आजा आजा। डर आ रहा मुझे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग किस दिन का है मुझे याद नहीं है, क्योंकि इस व्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है मेरा, क्योंकि एक दिन बीच में गैप करा था मैंने, तो उस वजह से वो व्लॉग थोड़ा लेट है। आई थिंक आज जो है ना बच्चों की छुट्टी है और आज मुहर्रम की छुट्टी है, ये मेरे को याद है। डेट वगैरह मेरे को याद नहीं है क्या है। तो यहाँ पर ना सुबह उठते साथ ही मतलब उठते साथ ही नहीं, थोड़ा चाय वगैरह पी ली थी हमने, और उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग रूम के जो है ना फैन जो है वो क्लीन कर रही हूँ मैं। और ड्राइंग रूम के ना अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब एक महीना इससे थोड़ा कम ही हुआ होगा, तभी मैंने ये फ़ैन जो है क्लीन करे थे। लेकिन इसमें फिर से इतना ज़्यादा से वो धूल जैसी बैठ जाती है, जैसे काली काली सी दिखती है, ऊपर से वाइट कलर के हैं फ़ैन, तो इनमें वो काला काला सा बहुत ही गंदा लगता है। तो एक दो दिन से सोच रही थी करूँगी, फिर वही होता है ना, करूँगी सोचते हैं, लेकिन अभी फिर एकदम से फ़ैन जब दिख ही गया तो फिर मैंने कहा मम्मी पहले फ़ैन वगैरह क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो तीन बार उसको पहले तो सूखे कपड़े से उसका जो भी धूल मिट्टी डस्ट था वो सब हटाया, उसके बाद विम जेल से इसको अच्छे से स्क्रब करा, उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करा दो बार, उसके बाद सूखे कपड़े से क्लीन करा। तो इतना करा है, क्योंकि ना ये वाइट है और वाइट एकदम से ना साफ़ भी नहीं होता है, ज़रा सा भी गंदा होता है तो फिर दिखता है। तो यहाँ पर मम्मी मेरे को कपड़ा ला के दे रही थी वॉश करके, क्योंकि फिर मुझे बार बार नीचे उतरना पड़ रहा था इसलिए। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से दोनों फ़ैन जो है ना अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो इधर वाला मैं देख रही थी तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। पता क्या होता है, अगर हम बहुत टाइम बात करें ना तो इनके जो ब्लैक स्पॉट होते हैं ना वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, निकल तो जाते हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर इसको मतलब करते रहो, रेगुलर क्लीन करते रहो, तो फिर उतनी मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर ना उधर वाला जो था फ़ैन वो तो गंदा था ही, लेकिन इधर वाला कुछ ज़्यादा से ही गंदा था। और आपको बताऊँ ये वाला फ़ैन हमारा ना बहुत स्लो चलने लग गया था, बहुत ज़्यादा से। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब भी फ़ैन में गंदगी ज़्यादा से हो जाए, डस्ट ज़्यादा हो जाए, तो ये भारी हो जाते हैं, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती है मुझे ऐसा लगता है। तो उससे ना इसकी जो स्पीड है बहुत कम, मतलब चार नंबर पे भी ऐसे चल रहे थे, दो नंबर पे चल रहा होगा। तो जैसे ही हम मैंने ये क्लीन करा उसके बाद मम्मी ने कहा जरा खोल के देखियो, फ़ैन ऑन करा और उसके बाद अब यकीन नहीं मानोगी इतनी अच्छी स्पीड में चलने लग गया, नहीं तो ये लग रहा था कि फ़ैन चल ही नहीं रहा है कमरे में, ये हो रहा था। तो यहाँ पर बस ये वाला फ़ैन भी जो है मैं क्लीन कर दूंगी, और किसी दिन मतलब जब अच्छे वाला टाइम लगे तो हम लोग जैसे ये जो झूमर है ये भी हमें क्लीन करना है। इसके साथ बात सारी ये है कि थोड़ा सा डेलिकेट है तो इसको साफ़ करने में थोड़ा लगेगा टाइम, और बहुत केयरफुली होकर इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो जो इसकी लाइट्स हैं वो भी, और जो बीच में सेंटर में झूमर होता है ना वो भी, लेकिन वो वही है ना, जब अच्छे वाला टाइम लगे तो ही वो क्लीन होगा, क्योंकि हमने जब से लिया है तब से एक बार भी इसको क्लीन नहीं किया है। और यहाँ पर अभी मैं आपको बाहर दिखा रही हूँ, फ़ोन पर ना इतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ सामने ना बादल बिल्कुल काला हो रखा था, काला बिल्कुल बादल, लेकिन फ़ोन पर इतना दिख नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा हो रखा था इस टाइम पर। पता नहीं क्यों फ़ोन पे थोड़ा सा लाइटिंग दिखा रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा से मतलब ख़तरनाक वाला मौसम हो रखा था। और इसके बाद बारिश भी बहुत तेज़ आई है, बहुत ज़्यादा तेज़। और आज हमारे यहाँ नाश्ते में बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो हमारे यहाँ बीट रूट के पराठे बन रहे हैं, और बीट रूट मम्मी ने अभी एक दिन पहले ही लिया था, और बहुत जूसी एंड बहुत ज़्यादा फ्रेश थे वो। तो जब भी हमारे घर में बीट रूट आता है तो सैलेड में तो हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि खाया नहीं जाता है। सिया खा लेती है, लेकिन वो भी आज मना कर रही थी, या मैंने उससे पूछा भी नहीं है, लेकिन वो सैलेड में खा लेती है। लेकिन जब भी हमारे घर में बीट रूट आता है तो हमारे यही होता है कि उसके पराठे ही बनते हैं, और 100% के पराठे ही बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं सच में।
कुछ भी फालतू चीज़ें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी वहाँ पर बीट रूट जो है ग्रेट कर रही हैं, मैंने दो बीट रूट जो है ग्रेट मतलब मम्मी कर रही हैं दो, और मैंने यहाँ पर तीन प्याज लिए हैं उनको मैं बारीक कट कर रही हूँ। और यहाँ पर ले लिया मैंने कढ़ाई, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है 2-3 चम्मच छोटे चम्मच के बराबर, और गर्म करने के बाद उसमें प्याज जो है वो फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये जो बीट रूट था ना ये इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें कुछ भी मसाला फालतू नहीं डालना है, वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ इसमें। मैं सिर्फ नमक डालती हूँ इसमें, और हरा धनिया होता है तो हरा धनिया डालती हूँ। हरी मिर्च मैं तब डालती हूँ जब सिर्फ हम बड़ों को खाना होता है, जब बच्चे भी साथ में होते हैं घर में तो फिर मैं हरी मिर्च भी नहीं डालती हूँ, काली मिर्च थोड़ी सी डाल देती हूँ। तो इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत कुछ किसी भी चीज़ की नहीं, हल्दी लाल मिर्च किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस नमक ही डाल दोगे ना तो बहुत है। तो बस इसको ना तब तक पकाना जब तक कि बीट रूट का जो जूस है वो ख़त्म नहीं जाता है बिल्कुल, तब तक इसको पकाना है। उसके बाद ठंडा कर लेना है इसको अच्छे से। तो बाहर आपने देखा कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, बहुत बहुत तेज़ बारिश आई है इस टाइम पे। और यहाँ पर जो पराठे हैं वो भी मैंने बना दिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बच्चों को दिया, उसके बाद मैंने पापा को दिया, क्योंकि मेरे को होता है कि सबसे पहले मैं, जैसे अगर बच्चे घर पे नहीं है तो सबसे पहले मैं पापा को ही नाश्ता लगाती हूँ, अगर बच्चे घर में हैं तो सबसे पहले फिर बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठते हैं ना, इनको उठते जाती होता है थोड़ी बहुत भूख लग ही जाती है, तो सबसे पहले मैं इनको ही देती हूँ। यहाँ पर सिया मेरे को बोलती थी मम्मी बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों आराम से खाते हैं वाला पराठा। जिसको बीटरूट नहीं भी पसंद है ना उसको आप पराठा बना के दे दो तो ये बहुत टेस्टी लगता है, इसका सैलड वगैरह बना के भी खा सकते हैं वैसे। तो यहाँ पर बस जैसे कि हम कोई भी भरवा पराठा बनाते हैं ना सेम वैसे ही इस पराठे को बनाना है, बस वो है कि जो हमने बीटरूट है ना उसका जूस अच्छे से सुखा लेना है, अगर वो गीला गीला रहा ना इसका मिक्सचर तो फिर जो है पराठे बहुत ज़्यादा फटने लग जाते हैं, हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पराठे बन रहे हैं फटाफट से गर्मा गर्म पराठे। और अभी जो आप व्लॉग देख रहे हो ये उसके नेक्स्ट डे का है, उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मेरे को एक तो वीडियो की एडिटिंग करनी थी, दूसरा मेरे को एक दूसरा वीडियो शूट करना था और फिर उसकी भी एडिटिंग थी, तो इस वजह से मैंने नहीं करा। फिर शाम को तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि आशी को बिठाना पड़ता है मेरे को इस वजह से पढ़ने के लिए, इसलिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है और हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, और यहाँ पर ना एक काम में ये वो वाला काम कर रही हूँ जो काफ़ी दिनों से सोच रही थी। तो ना मेरे पास एक ये जो बोलते हैं ना बड़ा सा डब्बा बोलते हैं, तो इसमें कुछ आया था हमारा, तो मैंने इसमें क्या करा था ना, मैंने आशुर के कपड़े इसमें ही रखे हैं जो ये कभी कभी पहनते हैं, कपड़े डेली वाले कपड़े नहीं, जो ये कभी कभी पहनते हैं, तो वो मैं सेट कर रही हूँ एक तो, और दूसरा जितना भी इनकी जीन्स है ना दोनों की वो भी मैं यहीं पर रख रही हूँ, क्योंकि इनकी जीन्स ना इनकी बास्केट में रहती है ना तो वो कभी इधर कभी उधर हो ही रहती है। तो आज के करा मैंने आशी और की जितनी भी जीन्स थी सब मैंने इसमें रख दी है, और जो कपड़े ये कभी कभी पहनते हैं वो वाले कपड़े भी यहाँ पर रखती हैं, और इसमें ना मुझे बहुत सहूलियत होती है। पहले कपड़े वैसे रखती थी ना नीचे तो इधर उधर फैल जाते थे, लेकिन अब मैं इस वाले बॉक्स में रखती हूँ तो कपड़े ठीक रहते हैं, बाहर नहीं गिरते हैं कहीं पर भी, अच्छे से सेट रहते हैं। तो बस दोनों की बास्केट भी मैंने यहाँ पर फटाफट से आपको स्पीड में दिखा दी, थोड़ा टाइम लगा था लेकिन आपको स्पीड में दिखा दिया है, वो भी मैंने सेट कर दिया है। तो अब जैसे जीन्स वगैरह चाहिए होगी तो मुझे पता है कि वहाँ पर, नहीं तो ये जीन्स कभी इधर आशी की जीन्स इसके उसमें, इसकी जीन्स आशी के बास्केट में, ऐसे रहता था, तो वो मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी जो हमारे ड्रॉर्स है ना बाहर से इनको क्लीन कर रही हूँ, तो ये तो हम बीच बीच में करते रहते हैं, अभी इसमें थोड़े से मुझे वाइट वाइट स्पॉट्स से दिखते क्योंकि ये थोड़ा सा आप देख सकते हो चॉकलेटी ब्राउन कलर है, तो इसमें हल्का सा भी वाइट कुछ गिरता
जैसे विम जेल का या आटा वगैरह कुछ स्पॉट गिरते हैं आटे वगैरह का तो एकदम से दिखता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से गीला कपड़ा करा हुआ है मैंने और कॉलिन से मैं इसको क्लीन करती रहूँगी। जब क्लीन कर दो ना बहुत अच्छे से चमक भी जाता है ये। तो यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रही हूँ और फ़ैन मैंने इस टाइम पर ऑन करा हुआ है क्योंकि आजकल जो है बरसात हो रही है, चीज़ें सूखने में टाइम लग रहा है और ये तो वैसे भी लकड़ी है तो एकदम से ना फिर डर लगता है कि ख़राब होने का। तो मैंने फ़ैन ऑन करा हुआ है ताकि ये हाथों हाथ सूखता भी रहे। वैसे कपड़ा मैंने गीला लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा निचोड़ के मैंने उस कपड़े को लिया है। तो बस फटाफट से इसको मैं क्लीन कर दूंगी और इसमें ना हार्डली 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आज हो चुका है फ्राइडे और गुड आफ्टरनून, तो 12:30 बज रहे हैं और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। कल जो आपको ब्लॉग मिला पहले के थे तो आपको मैंने ब्लॉग दे दिया था। कल कुछ भी शूट नहीं कराया, कल एक तो मुझे एडिट करना था अपना वीडियो और दूसरा एक मुझे दूसरा वीडियो भी एडिट करना था, तो थोड़ा सा और शूट भी करना था तो थोड़ा सा उसमें मुझे टाइम लग गया। फिर मेरा मन भी नहीं हुआ ब्लॉग करने का, तो कल कोई भी ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। और आप सब कैसे हो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप सब कैसे हो। और हमारा इधर का मौसम बता देती हूँ आपको, बारिश जैसा हो रहा है बाहर, हवा चल रही है, बारिश मतलब किसी भी टाइम आने वाली है। तो मैं अभी छत में जा रही हूँ कि आज कपड़े धोए हैं, मतलब हाथ से ही धोए हैं लेकिन ऊपर छत में सुखाए थे क्योंकि धूप नहीं थी ना आज इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ वो भी लेकर आ जाती हूँ क्योंकि एकदम से बारिश आएगी ना तो भीग जाएंगे क्योंकि थोड़े बहुत तो सूख ही गए होंगे। मॉर्निंग में बारिश नहीं थी, धूप अच्छी थी इस वजह से। लेकिन मैं सोच एक मन मेरा हो रहा है कि मैं छत पहले कपड़े ले आती हूँ और एक मन मेरा हो रहा है कि मैं पपाया कट कर देती हूँ। तो ये पपाया ना वैसे लिया तो पापा के लिए था लेकिन पापा नहीं खा रहे हैं, मैं फिर भी दे दूँगी क्योंकि पापा को थोड़ा सा ये हार्ड लग रहा है। एक पपाया ना वैसा होता है थोड़ा सा ज़्यादा से वो होता है पका हुआ ना, तो वो अच्छा भी लगता है लेकिन पापा को दिया था लेकिन पापा ने खाया नहीं क्योंकि पापा पपाया वगैरह ही खाते हैं, मैंगो भी खा लेते हैं कभी कभी लेकिन डायबिटीज़ के जैसे पेशेंट है तो उनको पपाया ठीक रहता है। तो लेकिन पापा ने खाया नहीं, पापा बोल रहे हार्ड जैसा हो रहा है। तो मैंने उसको फ्रिज से ना सुबह ही निकाल दिया था, तो मैं सोची थी मम्मी और मैं इसे कट करके खा लेंगे क्योंकि ज़्यादा दिनों तक कट करके भी रखना चाहिए, अच्छा नहीं रहता, ख़राब हो जाता है इस वजह से। तो वही है और मैंने यहाँ पैन खोला हुआ क्योंकि इतनी गर्मी, आपको मेरे फेस पर ऐसा पसीना पसीना दिख रहा होगा, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन वैसा हो रहा है उमस जैसी हो रही है। और आप मेरे बाल देखो, आज मैंने हेयर वॉश करा है लेकिन कहीं से नहीं लग रहा है कि मैंने हेयर वॉश करा है, पता नहीं क्यों आज मेरे बाल ऐसे हो गए। अच्छे से शैम्पू भी करा है लेकिन फिर भी ऐसे चिपकू से बाल हो गए, पता नहीं पसीने से हुए या मैंने ना एकदम से वॉश करके उनको बांध दिया उससे चिपकू चिपकू से हो गए बाल मेरे, लग ही नहीं रहा है कि आज हेयर वॉश करा है। वही है और लंच पे तो आज कुछ बन नहीं रहा है, रात को हमने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी वो ले लेंगे और दाल है तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। और आपको ना यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैंने पिछली बार ना ब्लॉग वो करा था ना तो पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती मेरी कम आ रही थी, वही है। तो बस पहले सोच रही हूँ पहले फटाफट से काट देती हूँ और मैं फटाफट से कपड़े लेकर आती हूँ छत से। तो यहाँ पे फैन ना थोड़ा सा मैंने कम कर दिया है क्योंकि तो बहुत तेज़ आवाज़ फिर ना ब्लॉग में आवाज़ नहीं आती, तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ कई बार इसलिए। और शायद इससे पहले जो मैंने आपसे बात करी है उसमें भी आपको वॉइस शायद ढंग से ना आ पाए क्योंकि सामने हमारा ना काम चल रहा है, सुबह से चल रहा है, एक दो घंटे हो गए, एक दो घंटे ज़्यादा से ही हो गए तो अब बंद हुआ जाके, तो शायद हो सकता है आपको उसकी आवाज़ भी आ रही हो, मैंने ध्यान नहीं दिया वो है। तो चलिए पपाया कट करते हैं, देखते हैं। तो आशी और सिया के लिए भी रख देंगे, आशी तो खाती नहीं है, खैर पता नहीं कम खाती है वो पपाया वगैरह, लेकिन देखते हूँ काट के मैं अगर मीठा होगा और अगर पापा खा रहे तो पापा को भी ले दूँगी मैं इसमें से। ये वैसे इतना हार्ड नहीं है, शायद उस दिन ढंग से पकाना हो तो ये भी रीज़न हो सकता है। Thank you.
लंच हमारा हो चुका है इस टाइम पे जब मैं आपको छत में दिख रही हूँ। तो तब से मैं सोची थी कपड़े लाती हूँ, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी तो मुझे लगा कि छत में ही ठीक है। और कपड़े ना सूख भी गए थे, एक दो कपड़े ही थे जो ढंग से नहीं सूखे थे, बाकी सारे कपड़े सूख गए थे क्योंकि यहाँ पर गर्माहट सी रहती है, थोड़ा हवा भी रहती है तो कपड़े सूख जाते हैं। और यहाँ पर ना तब तक मैंने देखा तो बंदर आ गए थे यहाँ पर, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ये ना मुझे डरा रहा था तो बंदर का बच्चा, लेकिन ये मेरे को डरा रहा था, ये सोच रहा था वो उनको पता नहीं क्या सोच रहा था कि क्या है ये। और यहाँ पर एक आंटी घर में भी ये रोटी लेकर जा रहा है, तो शायद आंटी ने रखी होगी ना चिड़िया वगैरह रख ले तो वो लेकर जा रहा है ये। और मौसम देखो बस अब कभी भी बारिश आने वाली है, तो इसके बाद बारिश आई नहीं थी, मौसम बिल्कुल बना हुआ था लेकिन बारिश नहीं रात को, लेकिन फिर बहुत जोरों की बारिश आई है। तो वही है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं डोसा बैटर बनाने के लिए चावल और दाल है वो भिगोऊंगी। तो अभी 3:30 इस टाइम पे बज रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी ली है चावल और 1.5 कटोरी मैंने लिया है ये वाली दाल, क्या बोलते हैं उड़द की दाल ली है मैंने, तो और 1 चम्मच इसमें मेथी दाना डाला है। अब इसको ना बहुत अच्छे से मैं वॉश करूँगी, जब तक कि इसका जो ये पानी नहीं धुंधला सा दिख रहा है ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए ना तब तक इसको वॉश करना होता है। तो मैंने बहुत रगड़ रगड़ के इसको अच्छे से नीबी तो 4 से 5 बार मैंने इसको अच्छे से वॉश करा है, उसके बाद मैं इसे भिगा दूँगी। और रात को 8:30 बजे मैंने इसको फिर पीस दिया था, और इसलिए रात को पीसा था और टाइम इस टाइम इसलिए भिगाया था ताकि ये रात तक भीग जाए और अगले दिन तक ये फर्मेंट हो जाए अच्छे से। तो मैं रात को इसको पीस दूंगी, फर्मेंट कर दूंगी और नेक्स्ट डे मैं इसका इडली डोसा दोनों चीज़ें बनानी है मैंने, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इस बार ना मैंने थोड़ा ज़्यादा से बैटर बनाया है, क्योंकि हर बार जब मैं बनाती हूँ ना कम कभी नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी होता है कि बच्चे से दोबारा मांगते हैं तो उस टाइम के लिए नहीं होता है, इसलिए तो सोचा थोड़ा सा ज़्यादा से ही भिगा देती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।